और इलाहाबाद में 7 साल की रेप पीड़िता को मजिस्ट्रेटी बयान से रोकने के लिए घर से अगवा कर हत्या करने के मामले में इंसाफ की मांग कर रहे परिवार और पड़ोसियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। शमशान घाट पर पुलिस ने पीड़ितों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इंसाफ की मांग कर रहे लोगों को पुलिस ने लाठियों से लात घूंसों से काफी बुरी तरह पीटा है। ये बेरहम चेहरा पुलिस का देखने को मिला, जिसने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। पुलिस की बर्बरता से कई लोग जख्मी हो गए। इतना ही नहीं, पुलिस ने बच्ची के शव को जबरदस्ती छीन कर परिवार वालों के बगैर ही खुद ही उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। पुलिस की इस मनमानी से परिवार वाले इलाके के लोग खासे नाराज हैं। आपको बता दें कि महुआ आईमा इलाके में 2 दिन पहले 7वीं में पढ़ने वाली एक बच्ची के साथ उसके ही पड़ोसी ने दुष्कर्म किया। पुलिस में शिकायत की गई तो पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन बाद में आरोपी और उसके पिता ने पीड़ित परिवार को अंजाम भुगतने की धमकी भी दी और रात में सोते समय बच्ची को फिर से अगवा कर लिया गया और सुबह बच्ची का शव खेत में मिला। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और उसके बाद बगैर परिजनों को बताए शव को लेकर सीधे शमशान घाट पहुंच गई। न्याय की गुहार लगा रहे लोगों ने जब अपना विरोध दर्ज कराया तो पुलिस ने यहां पर और रही सही कसर पूरी करते हुए परिवार वालों को पीटा और घर वालों की मर्जी के बगैर, उनकी उपस्थिति के बगैर ही उस मासूम बच्ची का अंतिम संस्कार भी कर दिया। तो जो लोग पिट रहे हैं, कोई यहाँ पर आरोपी नहीं बल्कि पीड़ित परिवार है, जिस पर पुलिस भी अपना कहर बरपाने से नहीं चुकी। तो ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक परिवार जिस पर हम कहेंगे कि कहर टूटा है और पहले उनकी बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, शिकायत लिखवाने पर बच्ची की यहां पर हत्या कर दी जाती है और उसके बाद रही सही कसर पुलिस पूरी करती है, जो बगैर परिजनों को जानकारी दिए सीधे बच्ची का यहां पर अंतिम संस्कार करने के अलावा परिजनों को बुरी तरह मारती पीटती भी नजर आ रही है।